फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये बोरिंग से जार पेंट करेंगे। एक पे तो मैंने राइट वाले पे जेसो अप्लाई कर दिया है, लेकिन लेफ्ट पे जेसो नहीं अप्लाई किया। मुझे ये देखना है कि लोकल से प्लास्टिक को, मतलब हल्का कोई प्लास्टिक अगर हम यूज़ करें उस पर पेंट करें, तो जेसो के बिना उस पर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम जिस पे जेसो अप्लाई किया है उस पर पेंट करेंगे। तो आए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम अनाव्या एंड यू आर वॉचिंग अनाव्या आर्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कह दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो पूरी देखा करें। 5 या 6 मिनट की ही वीडियो होती है, सो प्लीज़ स्किप मत किया करें। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये दूसरा जार है जिस पे हमने जेसो नहीं अप्लाई किया है। अब इस पे मैं मास्किंग टेप से पार्टीशन बना दूंगी, क्योंकि मुझे डिफरेंट कलर करने हैं यहाँ पे। और ये भी देखना है कि विदाउट जेसो इस पे इजीली कलर हो जाता है या नहीं। और आप ये भी देखोगे कि मैंने जो स्टिकर है इस जार का वो नहीं हटाया। तो ये भी देखेंगे कि ये स्टिकर जेसो अप्लाई किए हुए पे दिखता है या इस पे दिखता है। मेरे हिसाब से नहीं दिखना चाहिए, दोनों पर ही, क्योंकि हम बहुत ही डार्क और थिक कलर करेंगे। तो बिना देर किए पेंट करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है। यू कैन सी द डिफरेंस फ्रेंड्स। ऑरेंज वाले पे हमने जेसो नहीं अप्लाई किया था, तो इतनी लोकल सी शाइन आ रही है इसमें, जैसे हमने ऑयल पेंट किया हो। अब ये पिंक वाला जार है, इस पे भी मैंने मास्किंग टेप लगा के पार्टीशन कर दिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे दो कलर करेंगे, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। यहाँ तक तो फ्रेंड्स सब ठीक था, लेकिन इसके कैप पे जब मैंने कुछ डिज़ाइन बनाना शुरू की तो परमानेंट मार्कर भी नहीं चल रहा था। मुझे डर था कि पेंट ना निकल जाए, और लिटरली ऐसे हो भी रहा था, पेंट निकल जाने का ख़तरा था। कुछ नहीं, फिर मैंने ब्रश और पेंट की हेल्प से यहाँ पे डिज़ाइनिंग की। इससे ये प्रूव होता है कि जेसो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप पहले वाइट एक्रेलिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जेसो बेस्ट है। फ्रेंड्स, नाउ आई एम अप्लाइंग वार्निश। वार्निश अप्लाई करने से ये होता है कि आपका जो भी क्राफ्ट है, जो भी पेंट है, वो वाटर प्रूफ हो जाता है। अब इसको मैं पानी में भी यूज़ कर सकती हूँ। अब ऐसे नहीं है कि मैं इसको घिसूँ और रगड़ूँ धोने के लिए, बस पानी से आप इसको धो सकते हो। शाइन देख रहे हो आप, लेकिन एक और चीज़ भी नोट करो, मैंने जो ब्राउन कलर का मार्कर यूज़ किया है वो फेंट हो गया है पूरा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई नहीं किया था। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस वाले जार के ऊपर, एज यू कैन सी, क्योंकि हमने इसके ऊपर जेसो अप्लाई किया था। पता नहीं क्यों, पर मुझे जेसो अप्लाई करके पेंट करना ज़्यादा अच्छा लगता है।
एक्रेलिक कलर्स के साथ मेरा कोई ख़ासा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जितना मुझे अभी तक समझ आया है उतने में यही है। बैकग्राउंड साउंड था बहुत ही ज़्यादा, गाड़ियों का शोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बजे हैं 7 और बच्चे स्कूल जाते हैं इस टाइम पे नीचे के, मतलब पूरे दुनिया के, तो बहुत शोर था। आई होप आपको आज की ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने लव वंस के साथ वीडियो लाजमी शेयर करनी है, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।